हेलो भाई, कैसे हैं भाई? बढ़िया। हम अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे थे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने जनरली फोर एटॉमिक मॉडल्स हम पढ़ रहे थे। हमने रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी के साथ डिस्कस किया था। आज कुछ फर्दर एक दो टर्म्स और डील करते हैं। एक टर्म आएगी आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे आप इसको, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए, आपने अभी तक पढ़ा क्या, एटम के अंदर एक आपका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपके प्रोटॉन्स होते हैं। इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉनिक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑर्बिट बोलते हो। इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा कुछ आर, और ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अब अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से रिमूव करना है, क्या करना है आपको, इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से रिमूव करना है, बाहर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रखा है, अपनी तरफ अट्रैक्टेड कर रखा है, तो जिस जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बाइंडिंग फोर्स है जो इनको बाइंड कर रखी है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर आपका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, किसका इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस सेल का, तो जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड रहेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन सी होती है, आपकी लास्ट सेल, फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये चीज, ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब आप लोग कहोगे ये क्यों होना चाहिए सर, उसका रीजन है अगर आपका एटम आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है, कंबाइन स्टेट में है, किसी फर्दर एलिमेंट के साथ आपका कंबाइन हो रखा है, दैट मींस कोई बॉन्ड होगा उनके बीच में। सपोज करो ए एटम है, वो कंबाइन है किसी बी एटम, सो जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो कहाँ यूज हो जाएगी, वो इस बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर भी आपकी यूटिलाइज हो सकती है। दूसरी बात सर, गैसियस एटम ही क्यों होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड में क्यों नहीं ले सकते। अगर आप सॉलिड या लिक्विड ले रहे हो तो जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ यूटिलाइज हो सकती है, इन स्टेट चेंज, आपकी स्टेट चेंज करने में वो एनर्जी यूज हो सकती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं है, हमें जो एनर्जी चाहिए, हमें वो एनर्जी पता करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो इस पॉजिटिव चार्ज, जो आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल का है, वैलेंस सेल का आपका इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो भी, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो आपका ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन कहाँ होगा, आपने ये इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में एटम था, ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल था, कहाँ प्रेजेंट था, ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या क्या हो गया, n इक्वल टू 1, और उसको आपने, आपको रिमूव करना है, रिमूव करना है दैट मीन्स आपको उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर जाना है, तभी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी और हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया।
अब इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है इनफाइनाइट, यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक टर्म्स की बात करें तो वहाँ पे आपको पता होगा एक न्यूक्लियस का साइज होता है फर्मी मीटर की रेंज में, एटम का साइज होता है आपका पिकोमीटर की रेंज में। तो उनके रिस्पेक्ट में अगर आप 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी लेके जा रहे हो तो वो भी क्या है आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो क्या करना हमें, n1 = 1 से इलेक्ट्रॉन को कहाँ एक्साइट करना है, n = infinite। सो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट। बेसिकली ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ करवाना है, और आपने बोहर के पोस्टुलेट्स में पढ़ा था अगर आपको यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करवाना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी कि इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस रहेगा। तो फाइनल क्या है आपका इन्फिनिटी, सो ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। सो आयनाइजेशन एनर्जी ई इन्फिनिटी आप निकाल सकते हो, माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर क्या इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वेयर बाई वन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपका जीरो। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ गई, 13.6 जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपकी आ गई एनर्जी, ये आपको याद रखनी है, वेयर एन आपका ऑलवेज वन रहना है ये आपके माइंड में होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एन आपका क्या रहेगा, वन। तो आप डायरेक्टली आयनाइजेशन एनर्जी निकालिए, प्लस 13.6 जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिस भी एटम का आपसे पूछा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो हमें गिवन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इज 1.96 × 10⁻¹⁹ जूल। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए भी कहाँ से कहाँ जब करवाना है, n = 1 से लेके n = infinite भी आपको जंप करवाना है। इसकी एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर इनफाइनाइट की क्या हो जाएगी, जीरो। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होनी आपकी, जीरो। सो आयनाइजेशन एनर्जी आप इजीली आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, 13.6 जेड स्क्वेयर हमें गिवन है 1.96 × 10⁻¹⁹, ये आपको किसके इक्वल आ गया, 13.6 जेड स्क्वेयर आपका क्या है हीलियम, कितना आ गया 4। सो ये आपका बेसिकली ये आप देखोगे ये तो दोनों अलग ही आ गया, यहाँ से आपको निकालना क्या है। अब यहाँ पे बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस में आके उन्हें वो फॉर्मूला याद कर लेता है, फिर वो फंस जाता है कि करे क्या। यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड यूज करिए, आपको पता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी किसके इक्वल होती है, माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। फॉर ग्राउंड स्टेट n = 1 दैट मीन्स माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर। आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होती है, प्लस 13.6 जेड स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको क्लियरली ये चीज़ दिख रही होगी, जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसके इक्वल रहेगी, नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो आपको इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, जैसे ही आपके पास आएगा आप डायरेक्टली लिख लोगे e₁ = −1.96 × 10⁻¹⁹ जूल, ये आपका आंसर जो आपका सोल हो गया। ठीक है, देख कोई दिक्कत है तो आप बताइए, बड़ा ही सिंपल सा है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलो अभी और बात करते हैं। सपोज करो आपको गिवन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4x। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन
जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट. देखिए, आपसे बोल रहा है कि आपका कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 4x. देन आपको कैलकुलेट करनी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ये आपको पता करना है. तो भाई हमने अभी देखा था आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू -E1. सो E1 किसके इक्वल आ गया? -4x. E1 आपका कितना आ गया? -4x. अब हमें पता है हमारी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? Z² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? N² के. अगर एटम सेम है तो जेड तो क्या हो गया आपका? सेम. यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? E2/E1 इज इक्वल टू N² / N² लिख सकते हैं. ये जस्ट आपको पुट करना है. N² क्या आ गया? 1 का स्क्वायर 1. N2 क्या? 2 का स्क्वायर 4. सो E2/E1 जो आपका आ गया वो आ गया क्या? 1/4. सो E2 किसके इक्वल आ जाएगा? -4x/4. कितना आ गया? -x. ठीक है, E2 आ गया आपके पास -x. सो डेल्टा E क्या आ गया? E2 - E1. E2 कितना था आपके पास? -x. E1 कितना है? -4x. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 3x. सो आपको अभी क्या करना है? दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस आ गया, वो आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है. हमें पता है डेल्टा E इज इक्वल टू hc/लैम्डा. वो किसके इक्वल आ गया आपका? 3x. और लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? hc/3x. ये आपका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आपका आ जाएगा. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बड़े सिंपल सा है. जस्ट आपको आयनाइजेशन एनर्जी याद रखनी है, इसके इक्वल रहेगी 13.6 Z² और दूसरा जो आपको याद रखना है वो ये कि आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो -नेगेटिव ऑफ आपके ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है. अभी यहाँ पे एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या फिर उसको सेपरेशन एनर्जी भी बोला जाता है. उसको सेपरेशन एनर्जी बोला जाएगा. देखिए भी क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस था, इसके अराउंड ये आपके ऑर्बिट जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अगर आप वैलेंस सेल, ये कौन सी आपकी वैलेंस सेल? आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल. अगर आप इलेक्ट्रॉन को जो निकाल रहे हो फ्रॉम वैलेंस सेल तो उसको क्या बोलते हैं? जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. बट अगर आप जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस सेल को ना लेके किसी भी सेल से आप उसको रिमूव करोगे, किसी भी कोई पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से आप रिमूव करोगे, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, और आप बोल सकते हो सेपरेशन एनर्जी. तो क्या है ये? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from a particular energy state. It's called आपकी क्या रही? Of an atom. इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. उसका आप क्या बोलोगे? बाइंडिंग एनर्जी. तो अब देखो,
आपको सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है, कहाँ ले जाना है, रिमूव करना है, दैट मीन्स इनफाइनाइट पे ले जाना है, यहाँ से रिमूव करना है इनफाइनाइट पे ले जाना है, यहाँ से रिमूव करना है इनफाइनाइट पे लेकर आपको जाना है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी बेसिकली वो किसके इक्वल होगी, आपको कहाँ पे फाइनल लेवल कहाँ पहुँचाना है, इन्फिनिटी, दैट मीन्स ई इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ द लेवल और ऑर्बिट और वी कैन से स्टेट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। कि कोई भी आपका ऑर्बिट है, एनएच स्टेट है, जिससे आपको एनर्जी रिमूव करनी है, उसकी एनर्जी को क्या करोगे आप, सब्सट्रैक्ट करोगे। तो अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, देखो हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई, इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा आपका, जीरो माइनस माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो आपकी बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, 13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट, तो अब ये आप इजीली लगाओगे। फॉर आयनाइजेशन एनर्जी n जो है वो किसके इक्वल रहेगा, 1 के ऑलवेज। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी किसके इक्वल रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी के, इफ n इज इक्वल टू 1। ये कंसेप्चुअली पूछ सकता है आपसे, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, मल्टीपल सेलेक्ट में, कि क्या ये करेक्ट है। बिल्कुल, ये जब आपकी n इज इक्वल टू 1 रहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक एटम की किसके इक्वल रहेगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल रहेगी। दूसरा चीज, आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या रहेगी, आपकी टोटल एनर्जी के नेगेटिव। टोटल एनर्जी कितनी होती है, माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए इन nth ऑर्बिट। तो ये आपको दो रिलेशन आपके माइंड में होने चाहिए। अभी एक थर्ड, एक और आपका टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या होगा एक्साइटेशन एनर्जी, ये चीज आपने अभी तक पढ़ ली है, आपको अच्छे से आती है। सपोज करो ये कोई दो लेवल है n2 एंड n1, आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेवल, आपके एनर्जी लेवल n1 में, तो आपको इलेक्ट्रॉन n1 से n2 पे अगर आपको सेंड करना है, एक्साइट करना है n1 से n2 पे क्या करना है, एक्साइट करना है, तो जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल ये आपकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो किसके इक्वल रहेगी, वो आपकी रही है इन दोनों जो आपके एनर्जी स्टेट्स हैं इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसके इक्वल, EN2 माइनस EN1। ये आपका क्या रहेगा, एक्साइटेशन स्टेट। तो यहाँ पे आके आपकी बेसिक टर्म्स जो हैं वो आपकी फिनिश होती हैं। अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो आपका पढ़ना है स्पेक्ट्रम। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा स्पेक्ट्रम पढ़ने में। बेसिकली स्पेक्ट्रम में भी आपको क्या पढ़ना है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। स्पेक्ट्रम होता क्या है, किस टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं आपके, हम क्लासिफाई करेंगे एमिशन, एब्जॉर्प्शन,
कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ये सब हम फर्दर स्पेक्ट्रा में थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। देन आपका जो कोर्स में है लाइन स्पेक्ट्रा, और भी बहुत से लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं बहुत सी बुक्स, बट वो बेसिकली क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आपके वैलिड रहते हैं, तो उनमें हमें लाइन स्पेक्ट्रा में पढ़ना है, डिस्कस करना है डिटेल में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।